नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए आपके साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। आजमगढ़ के बिलरियागंज में प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष शाहनवाज आलम के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल बिलरियागंज निवासी NBI ईमान के घर पहुंचा और प्रियंका गांधी का भेजा हुआ गिफ्ट प्रदान किया। प्रियंका गांधी का भेजा हुआ गिफ्ट पाकर NBI बहुत प्रसन्न दिखी तो वही परिजनों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हमारे संवाददाता मौके पर हैं, आपसे मिलवाते हैं। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज मार्केट में, जहां विगत दिनों NRC से संबंधित कानून को लेकर कुछ मुस्लिम महिलाएं धरना प्रदर्शन पर बैठी थी। उसे आगे बढ़ाने के लिए आज एक गिफ्ट भेजा है, गिफ्ट के रूप में बैग है। अनाबिया कह रही है कि मैं इस बैग को लेकर स्कूल जाऊंगी और हाफिज़े कुरान बनूंगी। आइए अनाबिया से सुनते हैं। बेटा, गिफ्ट किसने भेजा है? प्रियंका गांधी ने। क्या कहा था आपको उन्होंने? हमसे कहा था उन्होंने कि आप ठीक है। मैं हम ठीक है। तो कह रही क्या चाहिए? मैं कही कुछ नहीं मैम, आप कुछ मत खरीदिएगा, तो अपने से ही दे दिए। बेटा, पढ़कर क्या बनोगी? हाफिज़े कुरान। और आगे? डॉक्टर बनूंगा। ये थी अनाबिया, TV20 न्यूज के लिए बिलरियागंज से रोशन लाल। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम शाहनवाज आलम। शाहनवाज आलम जी, आप यहाँ क्यों आए? प्रियंका गांधी जी ने मेरे जरिए एक गिफ्ट इस बच्ची को भेजा है, वही मैं देने के लिए। अच्छा, इस बच्ची को क्यों भेजा गिफ्ट प्रियंका जी? देखिए, गांधी परिवार का जो लोग इतिहास जानते हैं उनको मालूम है कि इस परिवार के लोग बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। वो मानते हैं कि ये देश का भविष्य है। चाचा नेहरू हों, चाहे राजीव जी हों, इंदिरा जी हों, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रियंका जी ने ऐसा किया है। बच्चों के साथ जो कांग्रेस परिवार की लीडरशिप का जो आत्मीयता रहा है, उसको एक बार फिर से उन्होंने साबित किया।